दोस्तों, स्वागत है आपका रुआन की मम्मा के चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ टेंगरा फिश करी, यानी टेंगरा माचेर झाल। तो इसे हम थिक ग्रेवी के साथ बनाएंगे। और ये रेसिपी कैसे बनने वाली है, है वो चला जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाले ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने मैश कर दिया, जिससे कि जो प्याज है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मैश हो गए, पेस्ट बन गया। और अब मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। तो पानी उतना ही मैं यहाँ पर ऐड करूंगी जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। सिर्फ एक पिंच के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला, सिर्फ खुशबू के लिए। अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है सारी जो फ्राई करके रखी थी फिश। और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम। चेक करेंगे ग्रेवी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रेवी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं सुखाना है। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो ये जो टेंगड़ा माचेर झाल है वो बनकर रेडी हो चुका है। और बोल में ट्रांसफर करके आपको दिखा दिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं कि देखने में भी बहुत टेस्टी हुआ है और खाने में बहुत टेस्टी हुआ था। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।